राजस्थान के अंदर आज वोटिंग का दिन है और आज ही के दिन तय होना है 1863 कैंडिडेट्स का राजनीतिक भविष्य। जी हां, इन 1863 कैंडिडेट्स का जो राजनीतिक भविष्य है वो आज सुरक्षित हो जाएगा ईवीएम के अंदर, और 3 तारीख को जब ये मतपेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि राजस्थान में क्या बदलेगा, राज या रिवाज। जी हां, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार अंडर करंट है और उनकी सरकार रिपीट होने वाली है, वही वसुंधरा राजे ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि करंट तो है लेकिन ये करंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम के विरुद्ध में। उनको पता चलेगा कि आखिर करंट क्या है और उनके खिलाफ है। तो बानों का जो है सिलसिला, बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार राजस्थान के अंदर बंपर वोटिंग होगी। फिलहाल जो ट्रेंड जा रहे हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो तिजारा के अंदर हुई है और दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है जैसलमेर के अंदर महंत प्रतापपुरी के लिए। तो दिलचस्प है कि दोनों जगह जहां भगवादारी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां संत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वोटिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार यह सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। लेकिन इससे दो तरह के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। एक अंदेशा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि ये लोगों का संकल्प है उखाड़ फेंकने का कांग्रेस को। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब लोग बीजेपी के काम से जो है ऊब चुके हैं और इसीलिए वो इतनी रिकॉर्ड वोटिंग कर रहे हैं। चुनाव जहां राजस्थान में पूरी तरह अधिकतर जगह शांतिपूर्ण रहा 199 विधानसभा सीटों पर, वहीं कई जगह छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। वहीं फतेहपुर के अंदर भी जो है स्टोन पेल्टिंग हुई, हालांकि दोनों ही जगह स्थिति नियंत्रण के अंदर है। पूरी जगह लगभग वोटिंग जो है वो शांतिपूर्वक हुई और आपको बता दें कि आज के दिन के बाद कल का दिन नेता आराम करेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है वो अब बाड़े बंदे की भी तैयारी कर देंगी। जी हां, अगर दोनों ही पार्टियों को डर है कि अगर मामला यहां से वहां गया तो जहां अशोक गहलोत भी सरकार जो है बनाने में माहिर है, बीजेपी भी ये काम कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कर चुकी है और महाराष्ट्र के अंदर भी कर चुकी है, तो दोनों ही पार्टियां जो सूत्र बताते हैं पार्टी के एक बड़े नेता कि अपने अपने विधायकों को कल का दिन आराम करने दिया जाएगा, फिर बाद में परसों से ही उनकी जो है वो बाड़ेबंदी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। दिलचस्प होगा राजस्थान का चुनाव, क्योंकि इस बार जो अशोक गहलोत सरकार है उसके विरुद्ध उस तरह की एंटीकम्बेंसी नहीं नजर आती जिस तरह हर बार नजर आती। हालांकि जितने भी सर्वेज हैं, खुद कांग्रेस के सर्वेस भी बताते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेगी। क्या उनके पास में 150-160 का आंकड़ा मिलेगा, वेव होगी, वह देखना होगा, रोचक होगा। लेकिन यह चुनाव है, क्रिकेट की तरह जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। दिल्ली का उदाहरण सबके सामने है, दिल्ली ने सबको चौंकाया था पिछले चुनाव में, कर्नाटक ने सबको चौंकाया था। क्या राजस्थान का चुनाव भी चौंकाएगा या फिर राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज जारी रहेगा? कैमरा पर्सन समीर के साथ झालावाड़ से जयकिशन शर्मा, चुनाव आज तक।